अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड लुक कैसा होता है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस मतलब ऐसी लुक होती है कि पहली टर्म कुछ मिलेगी उसमें डी जोड़ करके फिर दूसरी टर्म मिलेगी ना, कोई एक वैल्यू जोड़ करके सेम वैल्यू जोड़ के फिर आगे वाली टर्म्स उसमें आ रही होंगी। इस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें ये जो ए है इस ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, है ना, ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ये जो डी है जो मैंने जोड़ा है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहां कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस भी हैं जो अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है, ये हमारी टर्म नंबर 1 है ना, इसको टी1 से डिनोट करते हैं, ये टर्म नंबर 2 है इसको टी2 से डिनोट करते हैं, ये टर्म नंबर 3 है इसको टी3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टी1 या फिर ए1 या फिर ए सिंपली, है ना, तीनों ही सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए, है ना, फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए तीनों ही सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, टी1 ए1 या फिर ए। ठीक है, डी बोले तो आपका कॉमन डिफरेंस, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। Tn का मतलब है nth टर्म, है ना, Tn का मतलब Tn का मतलब है nth टर्म, nth टर्म को हम Tn से या फिर An से भी डिनोट करते हैं, Tn से या An से, है ना। और Sn जो होता है ये होता है sum of n terms, sum of n terms। अगर Sn ना लिखा हो सिर्फ S लिखा हो तो इसका मतलब होता है sum of even terms। Sn का मतलब है sum of n terms और S का मतलब है generally, अगर mention ना कर रखा हो ऐसे लिख दिया S is the sum तो इसका मतलब है sum of even terms की बात की जा रही है।